अच्छा, 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है, आपकी बार 90 बार इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, सेट बी है ये। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा ये पेपर है आपका, एक बार सोल्व करके जरूर जाएगा, 100% इसी में से 50 से 60 नंबर का फंस जाएगा। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी का वो काम किया करते थे। शब्द गुण, गुण जो कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। भोला नाथ किसे देखकर शिक्षकना भूल गए? साथी बच्चों को खेलता। योगवाद के जनक माने जाएंगे तो अज्ञेय। यहां से हमारे सूरदास जी की जो रचना है ना, वो सूर सारावली है। चौपाई छंद आपके 16 आ जाएगी। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। सांप को देखते ही बच्चे गिरते पड़ते रोते बिलकते भाग गए थे। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। महाकाव्य के में जीवन का संपूर्ण चित्रण होगा। छंद 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोधा था। और अब है सही जोड़ी। नाटक सम्राट, नाटक सम्राट है जय शंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी पिता के फूल। परिणाम वाचक, परिणाम वाचक आ जाएगा आपका क्रिया का के परिणाम का बोध। हिरोशिमा, हिरोशिमा का आपका जो रेलगाड़ी पर लिखा हुआ। ठीक है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये है आपका जय शंकर प्रसाद का जन्म स्थल। और आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ा कर कहना, आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। एक से अधिक अर्थ है व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थीय शब्द, लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जो विशेष अर्थ होता है। ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है, जिसका विशेष अर्थ होता है। ठीक है, ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नारगे। ठीक है, यहां पर हो जाएगा जितेन नारगे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव, भयानक रस का स्थायी भाव था भय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावाद के लेखक है। हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। राम पढ़ता है, क्या एक ये प्रश्नवाचक वाक्य है? तो ये आपका असत्य रहेगा। सारे देश की आस्थाएं और इंदो अंधविश्वास एक से नहीं है, ये भी आपका असत्य है, किताब में बताया गया है ना। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, सत्य। ठीक है, निराला बादलों को रिमझिम बरसने के लिए कह रहा है, अरे गज गज के बदलने की बोल रहा हो तो आ जाओ तोड़ ताड़ दो एक दो डंडा, ये कह रहा था। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, और ये बाल गोविंद भगत जो ग्रस्त नहीं थे, ये भी आपका असत्य रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहां से देखिए, ये सारे क्वेश्चन है ना आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। यदि आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो जब तक तो डाल चुका होगा, एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। बच्चे लिख रहे हैं कोचिंग में, जैसे लिखा जाएगा ना तुरंत आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। यहाँ से देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी भदंत आनंद कौशल्यान का साहित्य परिचय देना है आपको। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। अकल पर पत्थर पड़ना, आग बबूला होना। दशानंद का समास विग्रह करिए, लाभ हानि। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? प्रकृति के इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका कैसी अनुभूति होती है? प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। रीति